Your Majesty, sorry to disturb you on this grand occasion. Mekka Naviyavi, resident of Abad Colonel Sleeman. I'm on a Jhansi commissioning my eye. He has ordered me to inform you he seeks your audience. In your court, with your ministers, immediately. It's very important. लीजिए। अभी तक बहू ने घर में कदम रखा नहीं कि बुरी खबर पहले आ गई। गुस्ताखी माफ कीजिए। कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हम उन्हें अपशगुन मानने लगते हैं। क्योंकि औरत खामोश रहती है, इसीलिए हम बड़ी आसानी से सारे इल्जाम उस पर मन देते हैं। और यहां पर बदकिस्मती ये है कि एक औरत ही औरत को अपशगुन या मनुष्य मान रही है। हमारी आपसे गुजारिश है कि इसके लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गुनाह है। अच्छा मोती भाई, अब पाप पुण्य, शगुन अपशगुन, ये हमें तुमसे सीखना होगा। वैसे हमारे लिए सबसे बड़ा अपशगुन ये है कि तुम यहां हो, और वो भी हमारी बहू की वजह से। वैसे मोती भाई, विवाह संपन्न हो चुका है, तुम यहां से जा सकती हो। माफ कीजिएगा हुजूर, अगर कनीज ने अपनी हद पार करते हो तो कालिया पर बेजा इल्जाम लग रहा था, इसलिए हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। गौर कीजिएगा तो बात सच है, लेकिन एक तवायफ को तो सच बोलने का भी हक नहीं होता। हमेशा न्याय करते और हमें यकीन है कि आप आज भी न्याय ही करेंगे। ऐश्वर्य की आज्ञा का पालन किया जाए। सभी लोगों को एक बात मैं साफ साफ कह देता हूं, मणिकर्णिका अब हमारी रानी, झांसी में उनका स्वागत खुले मन से होना चाहिए। Thank you.
अपनाने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर लगा कोई भी लांछन हमें लांछन करने के समान है। आशा है कि हमारे बात से आप सभी सहमत हैं। महारानी को संपूर्ण सम्मान देंगे। वैसे भी हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अंदर चलकर कुल देवी की पूजा करनी है। आ क्षमा कीजिए आयुष्मी, श्रीमन को मिलने के बाद हम पूजा में भाग लेंगे। हमें गर्व है राव कि हमारा बेटा राजधर्म भी निभाना जानता है। महल में ऐसी बातें होती रहेंगी, इससे तुम्हें अपना मन विचलित करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें बस अपने आचरण से एक महारानी की गरिमा बनाए रखनी होगी। और एक महारानी का व्यक्तित्व कैसा होता है ये हम तुम्हें सिखाएंगे, परंतु तुम्हें इसका बहुत सख्ती से पालन करना होगा। ये झांसी की महारानी का कक्ष है। दासियों, ये सारी भेंटें उठाकर दूसरे कक्ष पे ले जाओ। बहु, हम पूजा की तैयारी करके आते हैं। आदेश कीजिए महारानी जी। जी कुछ नहीं, तुम दोनों जाओ।
एक को तो यहाँ पर सभी ऐशो आराम, मैं तो बाबा के हाथ का साया नहीं। लीजिए, इस तरह रोने और दुखी रहने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तुम ठीक कह रही हो। काका, आपने मुझे वचन दिया था कि हमारी मनु का विवाह होने के पश्चात आप क्या करें। तथा विवाह होने से पहले वो कभी हमारे साथ रहती थी, कभी नहीं। परंतु हर पल ऐसे लगता था कि वो मेरे साथ है। अब तो ऐसा आभास होने लगा है कि वो मेरे जीवन से कहीं दूर दूर जा रही है। अकेले क्या बीत रही होगी उस पर। राजी चलो। डरा मनु, इस छबीली को इससे बड़ा दंड हम नहीं दे सकते। मनु बेटे, आओ खाना खा लो। बेटे जानती है तू, जब तक तू नहीं खाएगी मैं भी नहीं खाऊंगा। क्या हुआ बेटा, तुझे बहुत कष्ट हो रहा है, पर हमारी यही मान्यता है हमारे सुखी जीवन का आधार बनती है। शाबाश बेटा, कि तुम ये कार्य भी इतनी लगन से कर रही हो। आओ छबीली, अपने अजूबा के पास नहीं आओगी? तो एक दिन भी ऐसा नहीं जब खिलाड़ों पर लाट। देखो आज छबीली हमारे हाथ से खाना है। अपने आपको विश्वास दिलाने की चेष्टा कर रहा था कि ये हंसने ना मानते ही नहीं। मेरा क्या है तो इस छोटी को इससे बड़ा दंड हम नहीं दे सकते। तू नहीं खाएगी मैं भी नहीं। आपको विश्वास दिलाने की चेष्टा कर रहा था ये हंसने ना हमारे सारी दासियां हैं। दासियों में और अपनों में बहुत अंतर होता है तात्या। काका, आप तो जानते हैं कि हमारी मनु साधारण कन्या होते हुए भी असाधारण है। वो हर परिस्थिति में अपने लिए राह निकाल ही लेती है। बेटे, ये विघ्नहर्ता तुम्हें हर विघ्न से बचाएंगे और हर पल तुझे हर परिस्थिति का सामना करने का साहस देंगे। अपने मनु के हृदय में इतनी शक्ति भर दी कि वो सबका दिल जीत ले। स्लीमन क्या समाचार लाया होगा?
कहीं वो अनुबंध पत्र तो नहीं लाया होगा ना? यदि ऐसा होगा तो गंगाधर राव को पूर्ण रूप से राजा घोषित कर दिया जाएगा। जानकी, तुम इन अंग्रेजों को नहीं जानती। इतनी आसानी से किसी को राजा स्वीकार नहीं करते ये। यदि अनुबंध पत्र लेकर आए होंगे तो शर्तें इतनी कड़ी रखी होंगी कि गंगाधर राव उन्हें स्वीकार नहीं कर पाएंगे। Like a wife to a wife, I don't have to hug him. No, sir. महारानी जी, अंदर आने की अनुमति है। आप अपने घर में अनुमति मांग रही हैं। कि हमें आशंका थी कि आप हमसे रुष्ट होंगी। अपने बड़ों से रुष्ट नहीं होते, उनसे सीखा जाता है। अभी तो हमें आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है। देखा वहनी साहब, हमने आपसे कहा था ना, हमारी महारानी के मन में तनिक भी मैल नहीं है। आप अभी तक दरबार जाने के लिए तैयार नहीं हुई? क्षमा कीजिएगा, महाराज के आदेश के बिना हम कैसे? जानकी, अभी तक किने दरबार में आने का आमंत्रण ही नहीं दिया। छोड़िए ना, जाने भी दीजिए वहनी साहब। अभी से हम इनका दिल क्यों दुखाए? हमें अनुमति दीजिए। महारानी की जय हो। महाराज ने आपको दरबार में याद किया है।